हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में कुछ अटैक्स के बारे में बताऊंगा। इस सेशन में मैं आपको पिंग स्वीप के बारे में बताऊंगा और किसी पर्टिकुलर टारगेट कंप्यूटर्स पे क्या क्या सिक्योरिटी लूज है ये आप जान सकते हैं इस सेशन में। मतलब क्या है कि अगर आप एक लैन में बैठे हुए हैं और उसमें 100, 200, 210 कितने भी कंप्यूटर्स अगर हैं और आप किसी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं या कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप उस कंप्यूटर पे एंटर कर सकते हो, उस पे अटैक कर सकते हो, या कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं जिन पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है या सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है, और किस तरीके का पोर्ट अप है और कौन सा पोर्ट ओपन है ये जानना है, तो उसके लिए आप पिंग स्वीप के ज़रिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं टूल्स का यूज़ करने जा रहा हूँ। एक टूल है हमारे पास एनमैप। एनमैप टूल्स के थ्रू आप किसी पर्टिकुलर एक कंप्यूटर या कई सारे कंप्यूटर्स की इंस्टेंस स्कैनिंग कर सकते हो, जान सकते हो कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक एड्रेस क्या है उसका, कौन कौन से पोर्ट्स अप हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो। तो इससे पहले मैं एक और टूल का यूज़ करना चाहूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, जस्ट आईपी स्कैनर। ये आईपी स्कैनर है, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये इस आईपी स्कैनर को इंस्टॉल करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोज। ये इंस्टॉल हो गया है। अब इस आईपी स्कैनर के थ्रू मैं एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे नेटवर्क में, लैन में, कितने कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो ओपन हैं या जिनसे कम्युनिकेशन हो रहा है मेरा। इसको बोलते हैं मैपिंग करना, आईपी एड्रेस को लाइव सिस्टम से मैप करना। और ये यहाँ पर मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्टार्ट स्कैनिंग। सो फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर स्कैन करके दिखाया है, ये फर्स्ट वन आईपी एड्रेस है जो स्कैन करके दिखाया है कि ये हमारे नेटवर्क में लाइव है। एक और ये सिस्टम मिला, 4151 मिला, 57। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके नेटवर्क में कितने सिस्टम लाइव हैं। सॉफ्टवेयर है आईपी स्कैनर, एंग्री आईपी स्कैनर, जो आपके लैन में तुरंत फाइंड आउट करके दिखा देगा कि आपके सिस्टम कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिनसे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर को टारगेट करता हूँ, उसकी डिटेल्स जानता हूँ मैं। किसी भी एक कंप्यूटर को पिक करते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का होस्ट नेम है पंकज, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.88.67। अब इसको मैं इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक एनमैप सॉफ्टवेयर है, उस आईपी एंग्री स्कैनर से मैंने फाइंड आउट किया कि आसपास कौन से कंप्यूटर्स लाइव हैं, उसमें से एक मुझे मिला 192.168.88.67। इस कंप्यूटर को मैं स्कैन करता हूँ, स्कैन पे क्लिक करता हूँ, स्कैनिंग कर रहा है। ये देखिए स्टार्टिंग एन मैप 6.4 स्टैंडर्ड टाइम, और पोर्ट डिस्कवर कर रहे हैं कौन कौन से ओपन पोर्ट इसको मिले हैं। 3389 मिला है, 445 मिला है, 139 मिला है, 135 मिला है। अभी स्कैनिंग चल रही है, थोड़ा ये टाइम ले सकता है, 5 से 7 मिनट का। ये देखिए यहाँ पे 30% स्कैन हुआ, देन 65% सिंक स्टेल्थ स्कैनिंग है, टीसीपी सिंक पैकेट भेज रहा है और उससे वो डीप स्कैनिंग करके गोपनीय चीज़ें निकाल के बाहर लाएगा सिस्टम की।
ये देख लीजिए, कंप्लीट स्कैनिंग हो चुकी है। यहाँ पर क्या क्या ये निकाल के लाया है, ढूंढ के निकाला है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग एंड मैप 66.4 वर्जन है और लोडेड 110 स्क्रिप्ट फॉर स्कैनिंग, 110 स्क्रिप्ट इसमें पड़ी हुई हैं जो स्कैनिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो स्टार्टिंग एआरपी पिंग किया है इसने 12 बजे, और एक पोर्ट फाइंड आउट किया है, कंप्लीटेड एआरपी स्कैन, और डीएनएस स्कैनिंग किया है, रेजोल्यूशन किया है, फिर स्टेल्थ स्कैनिंग हुई है, डिस्कवर किया है कितने पोर्ट्स ओपन हैं। देन आप नीचे आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आप ओएस स्क्रिप्टिंग, ओएस से रिलेटेड डिटेक्शन किया है, स्कैनिंग किया है। तो यहाँ पर निकाल के लाया कि 135, 139445 एंड दिस, ये सारे के सारे पोर्ट्स ओपन हैं, जो किस लिए है इसके लिए आगे भी डिटेल दी हुई है, और वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आरपीसी वर्जन यूज़ हो रहा है, सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है, और उस मैक एड्रेस कौन सी कंपनी का मैक एड्रेस है, वो दिया हुआ है, गीगाबाइट टेक्नोलॉजी कंपनी का है। और वार्निंग में दे रहा है, ओएस स्कैन रिजल्ट्स मे बी अनरिलेबल बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड एट लीस्ट वन ओपन और वन क्लोज पोर्ट। तो थोड़ा सा अनरिलेबल हो सकता है, मतलब आप ये कह सकते हैं 70-60% इंफॉर्मेशन ये क्लोज टू होस्ट होती है, मतलब 70% इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है। और रनिंग ओएस कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 है या फोन विस्ता 2K8, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ओएस क्या है, विंडोज 7 प्रोफेशनल, आगे डिटेल भी दी हुई है क्या क्या हो सकता है, ओएस की डिटेल आगे दी हुई है। देन आप नीचे सर्विस पैक भी दिया हुआ है, और कब से ओएस चल रहा है उसकी डिटेल भी दे रखा है यहाँ पे। नेटवर्क डिस्टेंस 1, मतलब डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ है, वो एक होप है बीच में, वो स्विच भी हो सकता है या कोई राउटर भी हो सकता है। टीसीपी सीक्वेंस प्रडिक्शन आगे डिटेल दे रहा है, आप सर्विस इन्फो ओएस सीपी वर्जन। देन होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि पंकज, ये इसका नेट बायोस नेम है, वर्क ग्रुप में सिस्टम है, और ये डिटेल है। देन नीचे और आइए आप, कंप्यूटर नेम भी पंकज है, नेट बायोस नेम पंकज है, वर्क ग्रुप दिस दिस दिस, और देन आप पोर्ट्स में जाएंगे, पोर्ट्स में आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। देन टोपोलॉजी आप देख सकते हैं कि ये मेरा सिस्टम है और ये कंप्यूटर है, टारगेट कंप्यूटर है जिसको मैंने स्कैन किया है। देन होस्ट डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार सर्विसेज, चार खिड़की, यहाँ पे विंडो दिखा रहे हैं, ये विंडो मतलब 4 विंडोज ओपन है, और ये अब टाइम डिटेल दिखा रहा है कितनी देर से लास्ट बूट कब हुआ था। देन आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, 6 अवेलेबल नहीं है, मैक एड्रेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्यूरेसी विंडो 7 प्रोफेशनल है, एक्यूरेसी इसने 100% शो कर रहा है पर ऐसा है नहीं, कई बार ये ओएस की डिटेल गलत शो करता है। देन आप देख सकते हैं, अब फिर यहाँ पर होस्ट सर्विसेज पे जाइए, कौन कौन सी सर्विसेज ऑन है देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कैसे स्कैनिंग करते हैं, कैसे डिटेल जान सकते हैं आप, और भी ज़्यादा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। इस सेशन में आपने सीखा कि कैसे किसी टारगेट कंप्यूटर को स्कैन करके, या अपने पूरे लैन में स्कैनिंग कर सकते हैं, कितने होस्ट आपके लाइव हैं, चल रहे हैं, और कौन कौन से आप, और उन होस्ट में से किसी एक को निकाल के उसकी डिटेल जान सकते हैं। उसके लिए आपको टारगेट का आईपी एड्रेस यहाँ देना पड़ेगा, और टाइप्स ऑफ स्कैनिंग यहाँ से सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। इंस्टेंस स्कैनिंग मैंने सेलेक्ट करी थी, आप टीसीपी पोर्ट्स को सेलेक्ट करके आप उसकी डिटेल भी जान सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद स्कैन करेंगे। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग। इस सेशन में आपने सीखा कि कैसे एक अटैक से अटैक करते हैं किसी सिस्टम पे, उसकी कुछ सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू होस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक एड्रेसेस, इनकी इंफॉर्मेशन आप इस स्कैनिंग के थ्रू जान सकते हैं। इससे बचने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इससे बचने के लिए क्या कर सकता है, फायरवॉल ऑन करके रख सकता है, एंटीवायरस अपडेट करके रख सकता है, और आईपी सिक्योरिटी वगैरह लगा सकता है, जिससे कि इतनी डिटेल में स्कैनिंग ना हो सके, ये पिंग स्वीप कोई परफॉर्म ना कर पाए उस सिस्टम पे, इसके लिए वो यूज़ कर सकता है। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।